नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव खेड़गा गुजर, जिला झज्जर, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2010 में ली थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जी हम भक्ति करते थे, हम शिव भगवान की पूजा करते थे, मैं कावड़ भी लेता था जी, हरिद्वार जाता था, 4 बार कावड़ ले चुका हूँ जी मैं, और जी व्रत भी करता था जन्माष्टमी का, और भी बहुत मान ले हनुमान की भक्ति करता था जी। और मेरे पिताजी थे जी, वो एक संत है, उससे जुड़े हुए थे जी, तो हम वहाँ भी जाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जी, मेरे पिताजी बीमार थे और हम बहुत जगह घूमे, डॉक्टर के पास भी गए, 2 साल तक मेरे पिताजी बीमार रहे और कहीं भी कोई भी आराम नहीं हुआ जी। और एक बार हम हासी दवाई लेने के लिए गए थे और हमारे पड़ोस में है मेरे चाचा, वे फरीदाबाद रहते हैं और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, और एक मेरे मामा है उनके साथ संपर्क है, रिश्तेदारी है उनकी भी। मेरे मामा ने कहा कि आप वहाँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन हमने उस पर विश्वास नहीं किया। तो एक दिन हम हासी जा रहे हुए थे, 2 साल तक मेरे पापा जो है बीमार चल रहे थे, तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मैंने देखा यहाँ से, उन्हें पहले बता दिया था मेरे मामा ने कि बरवाला है उनका आश्रम, तो मैंने वहाँ लिखा हुआ देखा हासी रोड के ऊपर कि बरवाला ये रोड जाता है। मैंने मेरे पिताजी को बोला कि बरवाला यहाँ से नज़दीक है और वैसे भी दुखी हो रहे हैं हम बहुत दिन हो लिए, कर्जा भी हो रहा है और बीमारी भी ठीक ना होती, आप चल कर देख लो एक बार, शायद फ़ायदा हो जाए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि चल अगली बार आएंगे जब चलेंगे, तो सर हम उस दिन तो घर पर चले गए। और अगले दिन जो है सुबह, मेरी जो बहन है एक, उसको भी पेट में दर्द हो गया, वो पहले ही बीमार रहती थी और वैसे भी झगड़ा हा हो गया घर में, तो मैंने बोला कि ऐसे तो हम बहुत बर्बाद भी हो रहे हैं, वैसे कर्जा भी बहुत हो गया, और चल कर देख लो क्या जाता है, एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी देख लो, इतनी जगह घूम लिए हम। तो हम सर वहाँ से सुबह चल पड़े, हम रात को 8 बजे आश्रम के अंदर पहुँचे, और हमें तो ये भी पता ना था सर जी कि वहाँ क्या कैसा आश्रम है, कैसा, किसी ने हमको ऐसे ज्ञान भी नहीं दिया था कि भाई परमात्मा है वे जाते परमात्मा की दया हो जाएगी। हम अंदर बड़े आश्रम के, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, पहले तो चेकिंग करी, फिर बोले कि नाम दान लोगे, महाजी नाम लाएंगे, फिर बोला आप फार्म भरवा लो। हमने फार्म भरवाया जी, फार्म भरवाने के बाद हमने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ हुए, परमात्मा ने बहुत रजा कर दी संत रामपाल महाराज ने, जो मेरे पिताजी जो 2 साल से बीमार थे वे बिल्कुल ठीक हो गए नाम लेने के बाद जी। उनको जी अचानक वे कुछ पितर वो भूत बाधा थी और कुछ मेडिकल की वजह से छाती में भी दर्द रहता था, वो कभी सिर में भड़क हो जाती थी, मतलब बहुत बीमार था वो, ठीक ही बीमारी भी नहीं पाती थी सर उसकी, और वैसे ठीक भी नहीं रहते थे, और बीमारी में कर्जा भी बहुत हो गया था जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए सर। और मेरे को जी, मेरी जो पत्नी है उसका पेट में दर्द होया जी एक बार, और मैंने चेक करवाया झज्जर मेडिकल में, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पथरी है पित्त की थैली में, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये दवाई ले आओ। हमने जी पहली बार सुना था ये ऑपरेशन का, हम तो बहुत डरते थे, हमने वो पर्ची ली और अपने लेकर और घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे थे हम तब, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरु जी ऐसे ऐसे डॉक्टर ने पित्त की थैली में पथरी बताई, हर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं जी और हमें डर लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दवाई ले लो वैसे निकल जाएगी और कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और मालिक की ऐसी दया हुई कि आज 7 साल हो गए आज तक वो दर्द नहीं हुआ उसको अभी।
संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बगैर ऑपरेशन के वो पथरी ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है आज उसको, बिल्कुल ठीक है। और सर एक बार ऐसा हुआ कि लड़का हुआ था मेरे को, वो रोया नहीं, घर पर ही होया था सर, तो हम तो वैसे खुशी मना रहे थे कि लड़का हो गया। तो वो एक डॉक्टर हमें अपा ने उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे रोया नहीं बच्चा, वो डॉक्टर बोला कि भाई इसको तुम जल्दी से जल्दी मेडिकल ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेरे पापा जो उसको झज्जर मेडिकल में ले आए, और वो दस दिन उसके अंदर रहा जी मेडिकल के अंदर, वो तब भी नहीं रोया। और उसको कई बीमारी बता दी, पीड़िया भी बता दिया, और कई डॉक्टर ने बीमारी बता दी। हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो गुरुजी ने बोला संत रामपाल जी महाराज ने कि बेटा इसको जो है अमृत जल पिलाओ और भगवान पर विश्वास रखो, ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने MRI के लिए बोला था, तो हमने रोहतक उसका MRI करवाया, नूरुल्लाह है गए डॉक्टर, उसके पास वो 4,000 रुपये लगे हमारे। और उसमें जो था जी सिटी वो MRI करवाया, तो उसमें खून का दौर नहीं था सिर में। और डॉक्टर ऐसे बोले कि भाई इतने दिन में खून का दौर नहीं होता तो पानी बन जाता है, और ये तो भाई परमात्मा की रजा है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो ऐसी दया करी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने, वो आज बिल्कुल ठीक है वो लड़का। और डॉक्टर ये कह रहे थे कि भैया इसका ये जो दिमाग है ना, ये वैसा मोटा दिमाग बनेगा, लेकिन आज उसको 7 साल का हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल ठीक है वो। आर्थिक स्थिति परमात्मा ने ऐसी रजा की, बहुत कर्जा हो गया था बीमारी में मेरे जो पिताजी थे, उस मेरे जो रिश्तेदार थे आस पड़ोस के चाचा था, वो हमने सबसे कर्जा ले लिया था, और बीमारी भी ठीक नहीं हो रही थी, और दोबारा लेने का पहला है ना दिया गया, दूसरा कैसे ले। तो आज के दिन परमात्मा ने वो जो कर्जा था वो बीमारी भी ठीक करी, और कर्जा भी मालिक ने सह सबका कर्जा तरवा दिया, और आज बहुत बरकत हो रही है, परमात्मा ने बहुत बरकत दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज स्थिति थी, और जो हमारे पड़ोस में उससे सबसे सही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये पूर्ण परमात्मा है, इनका ज्ञान सुनो और इनकी शरण में आओ। ये संत बार बार नहीं आते, ये परमात्मा आए हुए हैं, और ये हमारे को सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं, इनसे जुड़ो और सतलोक चलो, ये नहीं तो 84 लाख जोनी जो हैं वो बहुत कष्ट है, गधे कुत्ते सुअर बनेंगे और यहाँ बहुत कष्ट देगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से हम साधना टीवी पर सत्संग आता संत रामपाल जी महाराज का शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है उसमें फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, और उन फ़ोन नंबर पे संपर्क करके हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। उन हमारे जगह जगह नामदान स्थल खुले हुए हैं हर एक स्टेट में, जो जिसका नज़दीक पड़ता है वहाँ वहाँ से संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।